वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। अभी हो रहा है 4:05 और आज है 11th of November। मैं हूँ फिलहाल बैंगलोर में। स्वागत करता हूँ आपका एक और होटल वाले व्लॉग में। तो लास्ट टाइम जब मैंने ताज का रिव्यू किया था तो आप लोगों में से बहुत लोगों को पसंद आया, और मैंने कहा था कि उसमें अगर आप 30,000 व्यूज करवा दोगे तो मैं एक और वीडियो बनाऊंगा। उस वाले वीडियो में आपने करा दिए 40,000 व्यू। तो अगर ये व्लॉग में स्टार्ट कर रहे हो तो रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे कि प्लीज इस वीडियो में भी 30,000 से 40,000-50,000 व्यूज करवा देना। इतना शेयर करना कि भाई साहब मुझे और मोटिवेशन मिले एंड मैं और होटल रिव्यूज कर पाऊँ। इस व्लॉग का लाइक एम रखते हैं अराउंड 6,000-7,000 अगर पॉसिबल हो पाए तो। मैं रुका हूँ हॉलीडे इन में, ये है रेस कोर्स में, तो प्राइस वगैरह की बात मैं सबसे लास्ट में करूंगा व्लॉग के। तो पहले मैं आपको इंटीरियर वगैरह दिखा दूं। इस जो रूम का सबसे पहला जो यूएसपी है वो है ये, जो यहाँ से व्यू दिखता है ना, ये सबसे सबसे बेस्ट है और वो है रेस कोर्स। ये व्यू जो है वन ऑफ द बेस्ट व्यू इन टाउन। यहाँ से पूरा ये, दिस इज द हार्ट ऑफ सिटी, दिस इज MG रोड। ये मेजेस्टिक के पास है एरिया, आनंद राव सर्कल जो है यहाँ से बहुत पास में। इट इज वन ऑफ अ 5-star हॉलीडे इन की चेन्स जो है बहुत जगह है, इंडिया में भी, इंडिया के बाहर भी है। एंड इट कम्स अंडर IHG होटल्स। तो ये प्रमोशनल वीडियो नहीं है, तो कुछ भी लगेगा मुझे तो सब बताया जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। तो नीचे मुझे सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, यहाँ पे पूरा मैट फिनिश दिया हुआ है, फ्लोरिंग वगैरह दी हुई है, तो अच्छे से आप बिना शूज के आराम से वॉक कर सकते हो, पैरों में आपको ठंडा भी नहीं लगेगा, तो काफी कंफर्टेबल है। यहाँ पे इन्होंने कर्टेंस वगैरह दिए हुए हैं, और ये कर्टेंस तीन है। देखो, एक तो ये कर्टेन हो गया जिसमें से ट्रांसलूसेंट लाइट आएगी, दूसरा हो गया कंप्लीट ब्लैकआउट वाला कर्टेन, तो यहाँ पे भी वही है। हालांकि ऑटोमेटिक कोई सिस्टम नहीं है कि एक बटन दबाओगे तो ये अपने आप बंद होगा, अपने आप खुलेगा, तो बस ऐसी नॉर्मल सा दिया हुआ है। यहाँ पे इन्होंने एक मिरर दिया हुआ है, और ये है रूम। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है मास्टर स्विच, इसको बंद करूंगा तो सारी की सारी लाइट्स हो जाती हैं बंद एक साथ, इसको चालू करूंगा तो चालू हो जाएंगी। इसका जो है लैम्प का स्विच यहाँ से है। यहाँ पे मैंने अपना फोन चार्जिंग पे लगाया हुआ है। ये है टेलीकॉम में एक अच्छी चीज क्या है, हर जगह के जो है बटन्स वगैरह दिए हुए हैं, तो आपको नंबर याद करने की जरूरत नहीं है कि भाई साहब अगर आप 9 दबाओगे तो रिसेप्शन करोगे, मतलब हाँ मेंशन है सब कुछ। ये है कॉफी मेकर, इन्होंने कुछ एक स्पेशल कॉफी दी हुई थी, काफी बढ़िया कॉफी लगी मुझे। आप चाहो तो यहाँ पे भी काम कर सकते हो और चाहो तो यहाँ पे भी काम कर सकते हो, मतलब दोनों जगह आप चाहो तो काम कर सकते हो। यहाँ पे इन्होंने अच्छा सा सोफा वगैरह दिया हुआ है। थोड़ा अगर आगे आते हो तो यहाँ पे इन्होंने AC का कंट्रोल वगैरह दिया हुआ है, तो मैंने अभी 23 में चला रखा है। और बेस्ट पार्ट अबाउट दिस होटल इज AC का जो वर्किंग है, तो बिना हल्ला करे चलता है यहाँ का AC, तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने स्पीकर वगैरह भी शायद दिया हुआ है, ये अलार्म वॉच दी हुई है, शायद स्पीकर वगैरह भी है शायद इस वॉच में। यहाँ पे इन्होंने अडाप्टर वगैरह दिया हुआ, शायद ये वॉच का अडाप्टर, पता नहीं। इसके अलावा ये है वॉशरूम में यहाँ पे इन्होंने हेयर ड्रायर दिया हुआ है जो कि कनेक्टेड है, वो जानबूझ के रखा है कनेक्टेड, ठीक है ना, क्योंकि कहीं पब्लिक आती है ये फ्लश हो गया, अंदर एक सीनरी वगैरह लगी हुई है। ये है शावर एरिया, वहाँ पे जो है इन्होंने बायोटिक के शैम्पू एंड फेस वॉश वगैरह दिए हुए हैं, और ये है हैंड शावर, और ये है वॉशरूम। हालांकि ये जो है ये ब्लू कलर की चीज जो इन्होंने दी हुई है काफी छोटा लगा, एवरेज नहीं बोलना चाहिए, हाँ लग्जरी है पर मुझे थोड़ा छोटा लगा है सच बताऊँ तो। पर हाँ, इस होटल में एक चीज है कि इसका जिम जो है इस होटल का टॉप क्लास है, और ऊपर सबसे टॉप रूफ टॉप में इनका एक कोई क्लब है, रेस्ट्रो पब है इनका रूफ टॉप में, इसका नाम है ग्लास, G/Glass। और इनका जिम भी देखेंगे, जिम भी काफी बढ़िया है, स्पा वगैरह भी मिल जाता है। इन रूम डाइनिंग जो है इन्होंने यहाँ पे दी हुई है, इसको चाहो तो आप स्कैन कर सकते हो। और हाँ, अब मैं दिखाता हूँ आपको कबर्ड। ये है कबर्ड, तो इसको देखते हैं अच्छे से एक एक करके। तो यहाँ पे इन्होंने लॉकर वगैरह दिया हुआ है, तो कुछ भी जैसे इंपॉर्टेंट सामान है आपका तो आप इसको अंदर रख सकते हो, ठीक है, और अंदर रख के लॉक कर सकते हो। ये लॉक दबा दिया आपने, पासवर्ड आपको डालना पड़ेगा जो भी है, 252 हाँ लॉक हो गया, क्लोज्ड, देखो लॉक हो गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पासवर्ड डालेंगे ना, 252 ओपन, सही है। यहाँ पे आप अगर सोना चांदी कैरी कर रहे हो या बहुत सारा रोकड़ा कैरी कर रहे हो ना, एक दो पेटी तो इसका मैं डाल सकते हो अंदर। और यहाँ पे इन्होंने खाने पीने की चीजें दी हुई हैं, यहाँ पे इन्होंने कैशू नट्स दिए हुए हैं, और मूंग की दाल का हलवा दिया हुआ है, यहाँ पे आलू भुजिया दी हुई है, यहाँ पे ओरियो बिस्किट्स दिए हैं, और यहाँ पे लेज दिया है। जैसे अगर रातों रात अगर भूख लग जाए कि भाई कुछ खा लिया जाए यार, भूख लगी है, तो आप चाहो तो यहाँ से खा सकते हो, बाकी इसको फ्री मत समझना। यहाँ पे इन्होंने लिस्ट दी हुई है, सबसे महंगा आइटम यहाँ पे है 400 रुपए का, जो कि है विस्की, फिर वोडका है 300 की, रम है 300, बियर 250, बाकी सब 175 के है सब कुछ, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने फ्रिज वगैरह भी दिया हुआ है, फ्रिज वगैरह में बियर है, और यहाँ बकारी, ब्लैक डॉग, स्मिरनॉफ, यहाँ पे जूस वगैरह दिया है। आई थिंक मैं जूस वगैरह पी लूंगा क्योंकि मेरा मन भी कर रहा है थोड़ा पीने का, अभी भी खाना खाया ना इसलिए। डाइट कोक है, यहाँ पे इन्होंने टॉनिक वाटर दिया, ये भी मेरा काफी फेवरेट है, ये सब चीजें हैं। हाँ, द बेस्ट पार्ट कि इन्होंने यहाँ पे
आयरन के लिए आयरन दी हुई है और ये भी दिया हुआ है जिसमें आप रख के अपने कपड़े आयरन कर सकते हो। हैंगर्स हैं, टॉर्च दी हुई है इधर, टॉर्च निकालता हूँ एक सेकेंड। हाँ, ये है ना मस्त चीज। टॉर्च क्यों दिए हैं उतना कुछ मुझे लॉजिक समझ नहीं आता टॉर्च का, तो अगर किसी को पता है कि टॉर्च क्यों दिए इन्होंने तो मुझे बताओ, बिकॉज कबर्ड के अंदर भी लाइट वगैरह है, ऊपर से देखो लाइट आ रही है, टॉर्च देने का सेंस ही बनता। हालांकि मैंने हॉलीडे इन एक्सप्रेस में भी स्टे किया है बहुत बार, तो वहाँ भी टॉर्च देते हैं। हॉलीडे इन एक्सप्रेस जो है इनका एक होटल है जो कि इकोनॉमिकल होता है, हॉलीडे इन महंगा है, हॉलीडे इन इज अ 5-स्टार, हॉलीडे इन एक्सप्रेस जो है 3-स्टार है, उसमें भी इन लोग ये देते हैं टॉर्च देते हैं फॉर सम रीजन, पता नहीं क्यों। जो भी है इसको मैं डालता हूँ अंदर, यहाँ पे उन्होंने फिट कर दी इसको, ठीक। यहाँ पे हैंगर वगैरह दिए हैं, यहाँ पे इन्होंने एक्स्ट्रा पिलो वगैरह दिए हैं, तो आप चाहो तो वो भी ले सकते हो। कबर्ड के अंदर का एरिया और वहाँ पे लॉन्ड्री बैग दिया हुआ है और लॉन्ड्री सर्विसेज के चार्जेस दिए हुए हैं। और अभी मैं जाऊँगा नीचे और अभी नीचे एक लाउंज है वो दिखाता हूँ आपको, रिसेप्शन दिखाता हूँ एंड बाहर जो लॉबी एरिया है वो भी दिखाऊंगा, और शायद रात में मैं जाऊँगा ऊपर जी, होटल का नाम पता नहीं क्या है यार, मैं देख लूंगा एक बार फिर से, तो हाँ वो भी ट्राई करेंगे। अभी मैं जा रहा हूँ नीचे, तो देखो ये है लॉबी और यहाँ पे आप डीएनडी चालू करोगे ना अंदर से, लेट मी टेल यू। हाँ, अब यहाँ से डीएनडी चालू कर सकते हो, जैसे मैंने चालू कर दिया, देखो रेड कलर का लाइट जल जाता है, तो हाँ। और ये है मास्टर स्विच, चाहो तो इसमें इसको बंद कर दोगे ना तो पूरी रूम की लाइट बंद हो जाएगी, ठीक है। तो वैसे भी मैंने ये निकाल दिया है तो ये जो है पूरा रूम बंद हो जाएगा, और हॉलीडे इनकी जो रूम की होती है कुछ ऐसी होती है, ताज की गोल्डन थी, इनकी कुछ ग्रीनिश होती है, ठीक है। दिस इज लॉबी, ठीक है, ताज की थोड़ी सी थोड़ी ब्राइट थी। नीचे पूरा इन्होंने जो फ्लोरिंग दी हुई है, ये तीन तीन लिफ्ट है। दिस इज द रिसेप्शन एरिया बाय द वे, उतना बड़ा नहीं है ऑफकोर्स जितना 5-स्टार होटल्स का देखते होगे यूजुअली, बट हाँ दिस इज द रिसेप्शन एरिया। कोई शॉप वगैरह है कुछ अगर शॉपिंग करनी हो तो वो भी आप कर सकते हो। दिस इज द लाउंज एरिया, और भाई साहब यहाँ टीवी लगी हुई है बढ़िया सी, यहाँ पे हाईलाइट्स चल रही है जो कि मुझे बिल्कुल नहीं देखनी बिकॉज कल इंडिया हार गई है मैच, भाई मत दिखाओ ये। तो रिसेप्शन एरिया ठीक है, मतलब उतना बड़ा नहीं है जितना हाँ जितना होना चाहिए मेरे हिसाब से, बट फिर भी ठीक है, नॉट बैड। दिस इज द मेन्यू, और इस लाउंज का नाम है द लाउंज कैफे। यहाँ पे चिकन ब्रेड है, पकौड़ा, चिकन पकौड़ा 250 का है, चीज़ गार्लिक ब्रेड 195 और बन मसाला 150, मतलब हाँ उतना महंगा नहीं है, नॉर्मल है, मतलब कंपेयर जैसे अगर आप हॉलीडे इन आ रहे हो, जैसे ये 5-स्टार है ना, 5-स्टार के हिसाब से तो ठीक है। मैं कर रहा हूँ अभी एडिटिंग, कुकीज एंड आई थिंक दीज आर कॉफी बीन्स, राइट? यस। Okay. It's a roasted coffee beans. It's basically smoky flow with a tum this beach. It's trying to strong Malgudi filter coffee. Acha, okay. इट्स रियली नाइस, थैंक यू सो मच। आपने देखा कि ये मालगुड़ी फिल्टर कॉफ़ी है, ठीक है ना। फिल्टर कॉफ़ी की हिस्ट्री अगर किसी को पता है ना तो मुझे कमेंट करके बताओ नीचे ब्रीफ में, ठीक है। एंड भाई साहब कैसे इन्होंने दी है भाई, रिप्रेजेंटेशन 10/10 यार, इट वॉज सो गुड। अच्छा, सो लाइक वी गेट एवरी थिंग इन दिस लाउंज, राइट? यस, दैट्स नाइस। सो हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स डू वी हैव इन हॉलिडे इन, हाउ मेनी रेस्टोरेंट्स डू वी हैव? थ्री। वन इज दिस एंड वन फाइन डाइनिंग रेस्टोरेंट वी हैव विद द लेवल ऑफ आर्ट, द ग्लास किचन एंड बार। ग्लास, दैट्स अपस्टेयर्स। दिस अपस्टेयर्स इज द लेवल ऑफ आर्ट, द सेकंड फ्लोर। ओह, एंड अनदर रेस्टोरेंट इज अ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट ऑन द फोर्थ फ्लोर, कैफे जी। कैफे जी। अभी मैं जा रहा हूँ रूम में, अभी मैंने ख़त्म की है एडिटिंग और रूम जाके बस फिर मैं जाऊँगा ये जी ग्लास एग्जैक्टली नाम मैं आपको बताता हूँ, रियली सॉरी। सो दिस इज़ कैफे जी, दिस इज ग्लास किचन एंड बार, ठीक है। तो ये काफ़ी एग्जॉटिक है, यहाँ पे पूरा आला कार्ट सिस्टम है, तो ये बुफे सिस्टम नहीं है, ठीक है। और जो जी कैफे है फोर्थ फ्लोर में उसका बुफे सिस्टम है, तो यहाँ पे आउटसाइड सिटिंग नहीं है बाय द वे, लेकिन इसकी वाइब बहुत कमाल की लग रही है। एंड आई थिंक कैंडल लाइट डिनर भी होता है आपका, कैंडल लाइट डिनर भी होता है, राइट? कैंडल लाइट, ठीक है। तो दिस इज ग्लास किचन एंड बार, दिस इज कैफे जी, जहाँ पे बुफे वगैरह लगा हुआ है पूरा का पूरा, एंड यहाँ पे पूरी की पूरी पब्लिक है। ऑनेस्टली ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं अभी कंफ्यूज हूँ कि यहाँ पे खाना खाऊं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैं दोनों रेस्टोरेंट्स देख के आया, तो जो किचन बार एंड रेस्टोरेंट है भाई साहब, उसकी मुझे वाइब एक नंबर लगी, एम्बियंस टॉप क्लास का है। और मैं फिर गया जी बाई कैफे, जहाँ बुफे था, बुफे में जो आपने देखा दैट वॉज जस्ट 70%, और इतनी वैरायटी है, इतनी वैरायटी है, आज कसम से मुझे लग रहा है कि भाई मैंने नॉनवेज खाना क्यों छोड़ दिया, बिकॉज फिश में बहुत सारे आइटम्स थे, नॉनवेज में वो पता नहीं क्या क्या था, एंड इट वॉज लुकिंग अमेजिंग। मतलब अभी हम आ चुके हैं रेस्टोरेंट, यहाँ से व्यू बहुत ही कमाल का है, तो यहाँ से आप बहुत सारी बिल्डिंग वगैरह देख सकते हो। सुबह यहाँ पे खाने का मजा और भी अच्छा है, अब देखते हैं भाई क्या क्या मंगाऊंगा। यहाँ पे एक्चुअली जो जो मेन्यू है काफी लिमिटेड लगा, और ये वीगन रेस्टोरेंट है,
तो इसका मेन्यू जो है बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड है, ज़्यादा कुछ है नहीं और इंडियन क्यूजीन ही है इसमें। अभी मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ पे मैं खाऊं या ऊपर चले जाऊं, बिकॉज ऊपर क्यूजीन ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन है। यहाँ से फटाफट लेता हूँ मैं जो भी लूँगा, लेट्स सी फिर कैसा रहता है। फिलहाल के लिए मैंने ये लिया है, लेट्स सी कैसा है। स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी नॉर्मल लगा ऑनेस्टली। ये मैंने ना कोई सॉस ली थी, मेरे को लगा पता नहीं बहुत अच्छी होगी, तो ये खाना पूरा ठंडा है, मतलब जो भी वहाँ पर उन्होंने बुफे में लगाया हुआ है पूरा का पूरा ठंडा है बिल्कुल। और ये तो आप मानोगे सॉस का टेस्ट ही नहीं है, टेस्ट ही नहीं है इसका, चावल बिल्कुल ठंडे। डेजर्ट में ये सारे ऑप्शन है, यहाँ पे वॉलनट ब्राउनी भी है, ये काफ़ी गर्म है एक्चुअली। चपातीस मैंने मंगवाई हैं, चपातीस काफ़ी गर्म गर्म है गाइस, तो हाँ ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे। टेस्ट करते हैं ये कोई मिक्स वेजी है, और हाँ ये पनीर थोड़ा बेटर था तो मैंने एक और बार ले लिया, तो एक बार ये मिक्स वेजी ट्राई करता हूँ ये कैसा है। ट्राई दिस, ये बढ़िया है, ये जो मैंने खाया ना ये बढ़िया है, ये कोई मिक्स वेज चटपटा मिक्स वेज है पता नहीं, और काफ़ी बढ़िया है ये गर्म भी है काफ़ी, तो हाँ। और चपातीस को गाइस ऑनेस्टली आई वुड गिव 10/10, बहुत फ्रेश काफ़ी पतली हैं। तो ऑनेस्टली बुफे स्टार्ट होने से पहले मेरा दिमाग ख़राब हो गया था, ठंडा पनीर सब कुछ ठंडा, बट हाँ चपातीस ने दिल जीत लिया मेरा। यानी कुछ चटपटा वेज है जो मैंने लिया था, दैट इज़ नाइस, खाना अच्छा है फिलहाल। पनीर जो मैंने फर्स्ट टाइम लिया था ना तो काफ़ी ठंडा था, काफ़ी ख़राब लग रहा था, तो भैया अभी बदल के लिया है इसको, बट ये पनीर बहुत अच्छा है, ये शिजवान पनीर है एंड इट इज़ रियली वेरी गुड। पनीर में आपको ये मिक्स वेज है और ये पनीर, ये अपना शिजवान पनीर है, दम आलू हैं, क्या है नूडल्स हैं, कोई एक सॉस थी जो मैंने ली थी सबसे पहले स्टार्टिंग में, और दो चार ऑप्शंस और हैं वेज में, फिर आपको दाल मखनी भी मिल रही है और लोबिया भी है, और चिकन में भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ठीक है ना, है तो बहुत सारे ऑप्शंस, और डेजर्ट में भी काफी ऑप्शंस हैं, तो हाँ फूड ठीक ही है फिलहाल, मतलब नॉट बैड। तो मैंने डाइट कोक मंगाई है, तो वैसे तो ना ये हमेशा इंक्लूडेड होती है बुफे में, इसमें जो है बेवरेज वगैरह कुछ इंक्लूड है नहीं बुफे में, ठीक है ना, तो ये एक इशू है। और बाकी खाना ठीक था गाइस, नॉट बैड, पनीर वगैरह जो आपने देखा और बहुत सारी चीज़ें थी गाइस, हर चीज़ मैंने बताई नहीं होगी, आई एम नॉट श्योर। ये है डेजर्ट, देखते हैं भाई डेजर्ट कैसे हैं। मैंने उनको बोल दिया था रैंडमली कुछ भी लाने को, मैंने कहा था थोड़ा ज़्यादा ले आना, बड़े बहुत ज़्यादा ले आए हैं एक्चुअली, सो ट्राई करते हैं ये। पहले ना मुझे सबसे बेस्ट क्या लग रहा है, ये कोकोनट पाई, कोकोनट पाई मुझे बहुत ज़बरदस्त लग रही है, और वैसे ना मेरे टेस्ट में भी है कोकोनट, तो इसको ट्राई करते हैं पहले। 10/10 कोकोनट पाई, ये देखते हैं ये क्या है, ये नॉर्मल मिठाई है जो बीकानेर वाले में मिल जाती है, बट हाँ इट्स गुड। आई थिंक ये गुलाब जामुन है, बट इन्होंने जो है थोड़े इसको अलग बनाने के लिए इसके ऊपर कुछ क्रीम वीम डाल दिए। और ये है वॉलनट ब्राउनी, जो कि मैं खा चुका हूँ एंड बहुत टेस्टी है गाइस, बिलीव मी इट्स वेरी गुड, बहुत बढ़िया है, बट बहुत हैवी भी है। यहाँ पे ना बाहर बैठ के भी खा सकते हो, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इंडोर करो, आउटडोर भी खा सकते हो, इतनी तेज़ हवा चल रही है, ठंडी हवा चल रही है ना, लेकिन वो भी अलाउड नहीं हुआ। उठा हूँ ये कमाल के प्यारे से नज़ारे के साथ, आज मैं जा रहा हूँ चेन्नई, एंड आई थिंक ये वाला व्लॉग जो है चेन्नई वाले व्लॉग के बाद आप देखोगे शायद, तो आई होप आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया। इसमें आपने सारा इंटीरियर देखा रूम का, आपने पूरा इन एंड आउट लुक देखा पूरे होटल का, लाउंज देखा, बार देखा, एंड हाँ जिम भी है फर्स्ट फ्लोर में, तो बहुत ही कमाल का जिम है, मैंने एक बार वर्कआउट किया था, काफ़ी काफ़ी बढ़िया जिम है, स्विमिंग पूल भी है वो भी टॉप फ्लोर में है, ये सब चीज़ें हैं इस वाले होटल में, एंड ओवरऑल अच्छा है, अच्छा रूम है, एक अच्छा स्टे हो सकता है। और हाँ मैंने इसको बुक किया है 7,300 रुपीज़ में, कल मैं बुफे खाने गया था, बुफे का प्राइस था 1,500-1,600 रुपये, 7,200 का रूम था, मतलब एक दिन के लिए 1,400 रुपये का बुफे था, एंड मैंने वहाँ पर डाइट कोक पी ली थी, 150 रुपये वो लग गए, तो लगभग 9,000-10,000 रुपये समझो कि लग गए हैं। कल मैंने फ़िल्टर कॉफ़ी भी पी ली थी नीचे, तो भी 150 की थी, लेकिन वो वर्थ, वो बहुत अच्छी थी, तो अराउंड 8,000-9,000 रुपये लगे हैं पूरे स्टे के लिए, अगर मैं पूरा शुरुआत से एंड तक देखूँ। अब आप पूछोगे ये वर्थ है कि नहीं, तो मेरे हिसाब से तो हाँ ये है, क्योंकि अभी आई थिंक थोड़ा ज़्यादा है, कोविड टाइम्स मैंने इस होटल को थोड़े कम में बुक किया था, लेकिन अभी ये काफ़ी ज़्यादा महंगा है। वर्थ है कि नहीं, वर्थ इसलिए है क्योंकि जो बाकी फाइव स्टार होटल्स हैं आज की डेट में, इसमें याद करो ताज में रुका था ना, ताज मैंने तब बुक किया था 12,000 रुपये में, अभी ताज का रेट है 15,000 रुपये। एवरेज होटल ताज हो गया, मैरियट हो गया, नोवोटेल हो गया, एवरेज इज स्टार्टिंग फ्रॉम 12,000-15,000 फिलहाल, लेकिन मैंने इसको इस वाले हॉलीडे इनको बुक किया 7,300 रुपये में, तो मुझे थोड़ा वर्थ लगा, ठीक है ना। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, पसंद आया तो कमेंट जरूर करना, एंड मुझे कमेंट करके बताओ ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, एंड इस वीडियो का एम रखते हैं 5,000 लाइक्स, सो प्लीज़ अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना गाइज। अगर आपने 5,000 लाइक्स करा दिए तो मैं ऐसे ही 5-star होटल रिव्यूज़ करता रहूँगा, मेरे पास बहुत कमाल के प्लान्स हैं, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग।